शराब ह्यूमन बॉडी में क्या करती है? शराब का सेवन और डाइजेशन दूसरे खानों की तरह नहीं होता। शराब पीते ही हमारे जीभ और मुंह के कुछ पार्ट शराब को सोख लेते हैं, लेकिन ये अमाउंट बहुत ही कम होता है क्योंकि अल्कोहल तुरंत ही पेट में स्लिप हो जाती है। शराब मुंह को पूरा सुखा सकती है और पूरे शरीर में पानी की कमी ला सकती है। अल्कोहल का प्रभाव हमें किसी इंसान के वाइट टंग से ही पता चल जाता है। मुंह के बाद शराब एसोफेगस यानी फूड पाइप से होते हुए पेट में जाती है। अगर पेट में कुछ पहले से खाना नहीं होता तो शराब तुरंत ही स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। उसके बाद इंटेस्टाइन की दीवारों से कॉन्टैक्ट सीधा होता है और उसके द्वारा यह खून में मिल जाती है। कुछ इस तरह एक बार जो आदमी शराब पीता है वो 30 मिनट के अंदर ही पूरे बॉडी में फैल जाती है। लेकिन अगर कोई आदमी खाना खाने के बाद शराब पीता है तो शराब खाने के साथ पेट में ही अटक जाती है, जिसके बाद वो खून में नहीं मिल पाती और पेट में एसिड की मात्रा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से एक रेगुलर शराब पीने वाले व्यक्ति को पेट दर्द होना निश्चित है। अगर कोई शराब पीता है तो उसके साथ भारी मात्रा में खाना भी खाएं, जो शराब को खून में जाने से रोकेगी और ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन को 50% से कम रख सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस का एरिया बड़ा होने के कारण शराब बड़ी मात्रा में वहीं अब्जॉर्ब होती है। दूसरे ऑर्गन्स की तरह पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन भी कैपिलरीज से घिरी हुई होती है, जिसके द्वारा शराब ब्लड में मिलती है और डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लीवर, ब्रेन, हार्ट और स्किन, यहाँ तक कि अनबॉर्न बेबी में भी जा सकती है। दिमाग में जाने के बाद अल्कोहल अपना सीधा इफेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स पर करती है, जो ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल करता है। इसका असर यह होता है कि दिमाग से जाने वाले केमिकल सिग्नल्स को रोक देती है और फिर आदमी में देखा जाता है मूड चेंज, सोचने की शक्ति कम होना, बोलने में दिक्कत होना और चीज़ों को भूल जाना। यहाँ तक कि यह हमारे रिफ्लेक्सेस और कोऑर्डिनेट्स को भी स्लो कर देती है। अब अल्कोहल कितना साइड इफेक्ट करेगी, इसका सीधा लिंक होता है अमाउंट से, मतलब कि जो आदमी जितना शराब पिएगा इसके साइड इफेक्ट्स उतने ही साफ नज़र आएंगे। दूसरे ड्रग्स की तरह ही अल्कोहल हमारे ह्यूमन बॉडी में डोपामिन के रिलीज को ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से शराब पीने वाले इंसान को सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती है। इसका रिजल्ट यह होता है कि हम अच्छा फील करने लगते हैं और ज़्यादा शराब पीने लगते हैं, और कोई इंसान जितना ज़्यादा शराब पिएगा डोपामिन का रिलीज उतना ही कम होता जाएगा और अंत में आप उस खुशी की तलाश में एडिक्ट बन जाते हैं। हमारे बॉडी का सबसे मेन ऑर्गन जो अल्कोहल को प्रोसेस करता है वो है लीवर। लीवर 3 पाउंड से भी भारी होता है और हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। हमारे लीवर का एक मेन काम होता है शरीर में आए हुए जहर को ख़त्म करना। लीवर शराब को मिटाने का काम करती है और इसका रेट % to % वेरी करता है। जब तक अल्कोहल डिग्रेड ना हो जाए वो हमारे ब्लड में रहती है, जिसमें से कुछ हमारे ब्रेथ द्वारा बाहर निकलती है, और यही मैकेनिज्म होता है एक ब्रेथलाइजर्स का, जिसे आमतौर पर पुलिस इस्तेमाल करती है ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस पकड़ने के लिए। इसके अलावा अल्कोहल यूरिन, सलाइवा और स्वेट से भी बाहर आता है। लीवर हमारे द्वारा पिए गए अल्कोहल को टुकड़ों में तोड़ देता है। 2 एंजाइम्स हैं ADH और ALDH, जो अल्कोहल को तोड़ने का काम करते हैं। लगातार शराब पीने से हमारे लीवर सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जो आगे चलकर खतरनाक लीवर डिजीज का रूप ले लेते हैं। महिला और पुरुषों दोनों में शराब को मेटाबोलाइज करने की एबिलिटी अलग अलग होती है। एक आदमी में ADH की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो शराब को खून में मिलने से रोक सकता है, जबकि एक महिला में 30% ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ब्लड में मिल सकता है। अगर आप रेगुलर शराब पीने वालों में से हैं तो यह आपके बॉडी को बहुत बुरा इफेक्ट डाल सकती है, जैसे कि वजन बढ़ना, डायरिया और कोलन कैंसर। इसके अलावा लीवर में भी फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और लीवर कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा भी लॉस ऑफ मेमोरी, डिहाइड्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर जैसी खतरनाक बीमारियाँ हो सकती है। होप करते हैं यह आपको वीडियो यूजफुल लगा, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।